हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सीधा हाईवे से। तो आज ब्लॉग बनाने का रीज़न ये है क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपने घर को बहुत दिनों बाद। तो चलो जाते हैं गाइस। और 2 दिनों के लिए मेरे एक राइड भी प्लान है, तो उस राइड पे भी जाना है हमें 2 दिनों के लिए। तो गाइस, आज का ब्लॉग आप पूरा देखिए कैसा लगता है, क्योंकि आपने अपने मोबाइल होल्डर का माइक भी चेंज किया है मैंने, एक उसका वीडियो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलो गाइस, मुझे पता नहीं ये एंगल कैसे आ रहा है, लेकिन आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। तो गाइस चलो जाते हैं। गाइस बहुत दिनों बाद जाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है घर को, तो चलो अब जाते हैं गाइस। और बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ। तो गाइस आज का इस ब्लॉग में अब हम देखते हैं कि मेरे माइक सेटिंग और माइक एडाप्टर के जो कुछ मैंने किया है, अपना फ़ोन से मोटो ब्लॉग करता था उसके लिए मैंने जो फ्लिपकार्ट से जो माइक मंगाया था अटार का ATR80 का, उसका मैं आपको रिव्यू भी दे दूँगा। और मेरे बाइक की 15,000 किलोमीटर भी कम्प्लीट हो चुके हैं। तो गाइस चलो अब जाते हैं, गाइस चलो देखते हैं। गाइस मुझे पता नहीं मेरा आवाज़ कैसे आ रहा है। तो गाइस अब हम जाते हैं सीधा इंदापुर को, इंदापुर से फिर जाने के हमें नगर को। तो गाइस अब हम जाते हैं सीधा इंदापुर को। तो चलो देखते हैं इस ब्लॉग में। वैसे तो गाइस ये एंगल कैसे आ रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेरा आवाज़ भी कैसे आ रहा है। पहले मेरे जो हेडफोन थे उसके माइक से मैं ब्लॉग बनाता था, अब मैं उस माइक से ब्लॉग नहीं बना रहा क्योंकि मैंने अब न्यू माइक परचेस किया है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको अगर वो माइक लेना होगा तो आप ले सकते हैं। तो गाइस आप जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बहुत दिनों बाद मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ। गाइस आप सपोर्ट नहीं दिखा रहे इसलिए मैं भी बहुत डिप्रेशन में था, इसलिए मैंने अब ब्लॉग नहीं बनाया। अब मैं 1-2 दिन के लिए ब्लॉग बना दूँगा। तो गाइस चलो अब देखते हैं। गाइस ये देखो साइकिल पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे तो गाइस मुझे 250 रुपये में मिल चुका है फ्लिपकार्ट से। अब इसके प्राइस क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। जैसे आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा उसकी भी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं मेरे माइक सेटअप कहाँ पे किया है, कैसे किया है, वो सब कुछ आपको बता दिया है। तो गाइस आप चलो जाते हैं, हमारा राइड का पहला टोल लग चुका है गाइस। तो चलो देखते हैं, पहला टोल पास करते हैं पहले। चलो गाइस अब यहाँ से 500 मीटर पे टोल गेट है, तो अब जाते हैं हम सीधा टोल गेट पे। और टोल गेट पास करके हम जाते हैं सीधा सांगला को, अकलूप मार के अकलूप से सीधा इंदापुर को। गाइस ये देखो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारा राइड का पहला टोल तो पास हो चुका है, तो चलो अब जाते हैं सीधा घर को। तो गाइस आज की राइड की शुरुआत सीधा हाईवे से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था। तो चलो अब बनाते हैं सीधा ब्लॉग, क्योंकि मेरे फ़ोन चालू था इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं, इसलिए मैं फ़ोन चार्ज करके ब्लॉग बना रहा हूँ। तो वहाँ से हमें जाना है अकलूप को और अकलूप से इंदापुर को। तो चलो गाइस, तो
वैसे तो गाइस मैंने बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मुझे ब्लॉग में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं बना था इसलिए, और मेरा चैनल भी डाउन जा रहा है, फ्रीज हो चुका है। क्या पता नहीं मेरे चैनल पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे। पहले मेरे चैनल पे शॉर्ट्स पे 1K 2K 3K 5K व्यूज़ आते थे, जैसे कि आप जाके चेक कर सकते। लेकिन अब मेरे शॉर्ट्स पे व्यूज़ भी नहीं आते, 2, 3, 4, 5, 6 आते हैं। लेकिन क्या हुआ है मुझे पता नहीं है। तो गाइस आप प्लीज़ सपोर्ट दिखा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। तो आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। तो गाइस एंगल कैसे आ रहा है देखो, लेकिन यहाँ से आपको आगे का कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ बाइक का आगे का ये मीटर कंसोल और टैंक दिख रहा होगा। तो गाइस चलो अब देखते हैं। वैसे तो गाइस इस एंगल में मुझे वीडियो बनाना पता नहीं कैसे आ रहा है आगे का एंगल, मुझे आगे का व्यू दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं आपको। लेकिन आप प्लीज़ सपोर्ट दिखा दीजिए, क्योंकि मैं जल्द से जल्द GoPro ले सकूँ। अगर आपने मेरे 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करा दे जल्द से जल्द, तो मैं आपके लिए न्यू GoPro परचेस करके बहुत सारे ब्लॉग बना दूँगा। इस मोबाइल में अभी जो शूट कर रहा हूँ फ़ोन से, उसमें वाइड एंगल नहीं है, तो इसलिए मुझे दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। इसलिए मैं वाइड कैमरा एक एप्लीकेशन है, उससे मैं यूट्यूब के वीडियो बनाता हूँ और वहाँ से शूट करता हूँ। और आपको एप्लीकेशन की भी लिंक मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप जल्द से जल्द जाके सपोर्ट दिखा दीजिए मेरे चैनल को। तो कहे तो अभी नवरात्र शुरू हुए, तो मेरे उपवास भी है, तो इसलिए मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है थोड़ा सा ब्लॉग नवरात्र में। तो आप जाके देखते हैं। गाइज आपको मेरे आवाज़ कैसे आ रहे हैं आप बता सकते हैं? पहले माइक से मेरे आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रहे थे, लेकिन ये बहुत अच्छा आ रही होगी, क्योंकि आपको पता भी चल जाएगा। और ये माइक बहुत अच्छा है गाइज, मैंने 250 रुपये में बहुत अच्छा आया है। इसकी स्पीड अभी 70-80 के स्पीड से भी बाइक चलाऊँगा, तो ब्लॉक करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। मेरे आवाज़ आप अच्छे से आ रहे होगी आपको। चलो गाइज आप जाते हैं सीधा अकलूज में, अकलू रोड को यहाँ से हमें जाना है इंदापुर को गाइज। तो बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाने का मज़ा ही कुछ अलग आता है। ब्लॉग कब आएगा वो मुझे एक दो दिन में आ जाएगा अपने चैनल पे, कल या परसों आ सकते हैं मेरा चैनल पे। और फिर मुझे घर जाना है, घर जाने में मुझे शाम हो गई। तो अगर मैंने ब्लॉग एडिट कर दिया तो आपको ब्लॉग कल दोपहर को 3 बजे मिल जाएगा अपने चैनल पे। अगर नहीं किया होगा तो परसों को आ जाएगा, मंडे को। गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो आप प्लीज़ जल्द से जल्द जाके मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जल्द से जल्द मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए, तो बहुत अच्छा होगा। और मुझे आपके लिए ब्लॉग ढेर सारे आएंगे, और मैंने जो न्यू राइड प्लान की वो भी आपको बता दूंगा, जो कि बहुत लंबी राइड है जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे भी लगेंगे, लेकिन वो अभी किए नहीं है। तो गाइस हम सीधा अकलूज में मिलते हैं, तो चलो। तो गाइस आप अपने बाइक की टॉप स्पीड चेक करते हैं, तो गाइस चलो देखते हैं अपनी बाइक कितनी भागती है। तो गाइस देखो लीन चेक करो गाइस, क्या बढ़िया लीन आ रही है अपने बाइक से कॉर्नरिंग। अब हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है, तो चलो अब यहाँ से जाते हैं। हम अफसोस के नज़दीक आ चुके हैं, तो गाइस यहाँ से अब हम लेते हैं लेफ्ट। गाइस ये देखो वेदर चेक करो गाइस, क्या अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सन आ रहा है और आगे गाइस कितना अच्छा लग रहा है आगे का वेदर।
ब्यूटीफुल वेदर है गाइस, तो आप वेदर को, नेचर को एंजॉय कीजिए वेदर को। तो चलो गाइस, गाइस तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है बाइक चलाने में इस रोड पे। कितना सुनसान रोड है, अच्छा लग रहा है। यहाँ भी झाड़ी है, लेफ्ट भी झाड़ी है, राइट भी झाड़ी है, दोनों तरफ झाड़ी है गाइस, पेड़ है, दोनों तरफ पेड़ है। तो गाइस चलो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो गाइस, अब हमारा राइड का पहला पुल लग चुका है। तो गाइस अब हम मिलते हैं सीधा अखलूज में। तो गाइस अब राइड को एंजॉय कीजिए। गाइस देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्या वेदर है गाइस, देखो क्या मंदिर लग रहा है गाइस, वो देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो क्या होटल लग रहा है गाइस यहाँ रोड पे। और गाइस यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस चलो गाइस, क्या ब्यूटीफुल वेदर है। और ये देखो अपनी यानी प्रिंसेस कितनी अच्छी लग रही है। तो चलो गाइस, रोड तो अच्छा है लेकिन बहुत गड्ढे भी है यहाँ पे, और हमारे एन एस के ग्राउंड सर्विस भी इतना अच्छा नहीं है कि गड्ढों में बाइक नीट चला हो जाए। देखो गाइस ऑफ रोड कितने गड्ढे हैं यहाँ पे, देख सकते हो गाइस। तो गाइस अब आप लोग एंजॉय कीजिए वेदर को, अब हम सीधा मिलते हैं आप लोग में। मुझे लगा कुछ तो गाइस छूट गया, लेकिन कुछ नहीं छूटा, स्पीड ब्रेकर को मैंने देखा ही नहीं गाइस, सीधा बाइक वहाँ से कूदा ले स्पीड में ले। वैसे गाइस ये आम के पेड़ है इतने अच्छे मेरे लेफ्ट साइड में हो गए। गाइस ये हमारे राइट साइड में द्राक्ष की बाग है ग्रेप्स की, तो आप देख सकते हैं गाइस ये कैसे फार्मिंग की जाती है। गाइस आगे का रोड देखो कितना अच्छा लग रहा है गाइस, ये देखो। तो इस रोड पे बाइक भागने का कुछ अलग ही मजा आता है, तो भगाते हैं हम बाइक। गाइस अब स्लो लेने में पड़ेगी, आगे गांव है, हमें स्लो बाइक चलनी पड़ेगी क्या, आगे गांव है तो गांव में अचानक बीच में आ सकते हैं लोग। चलो गाइस स्लो में, चुके हैं कहाँ पे, मुझे पता नहीं कहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी पहुँच चुके हैं। तो हम अखलूज के थोड़े नज़दीक आ चुके हैं, तो चलो अब यहाँ से हमें लेना है राइड। तो यहाँ से इंदापुर है 60 या 65 किलोमीटर दूर, तो चलो गाइस हम जाते हैं। तो गाइस चलो ये देखो गाइस अब हम जाते हैं। क्या मक्खन जैसा रोड है अभी, तो यहाँ पे बाइक भगाने कुछ अलग ही मजा आता है।
गाइस और हम सीधा मिलते हैं आप लोग में, तो आप राइड को एंजॉय कीजिए। तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा गाइस अगर मैंने ये सब कुछ ना था वेदर दिखा दे गया। मैं मुझे कैमरा बंद करने का मन ही नहीं हो रहा फ़ोन, लेकिन क्या करूँ, मेरे फ़ोन में स्पेस भी नहीं है और मेरे फ़ोन से क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता हूँ। देखो लग गया एक और गतिरोधक। गाइस यहाँ पे गड्ढे बहुत है, क्या पता हमारा प्रिंसेस जेल पाएगी कि गाइस। अब हम सीधा मिलते हैं आप लोग में, चलो आप राइड को एंजॉय कीजिए, अब एंजॉय कीजिए, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए गाइस। गाइस लीन चेक कर रहे हैं, देखो गाइस क्या लीन है गाइस, एक और लीन है। तो गाइस लीन चेक करो, तो गाइस यहाँ से आप लोग ओरिंडापुर रोड को अब हमें जाना है सीधा। तो गाइस यहाँ से अखलूज अब सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है, तो गाइस चलो अब सीधा अखलूज में मिलते हैं। तो गाइस अब हमारे यहाँ से अखलूज है 8 किलोमीटर, तो अब हम सीधा मिलते हैं अखलूज में। तो गाइस चलो अब देखते हैं गाइस क्या लग रहा है, तो गाइस क्या वेदर हो चुका है। तो फाइनल गाइस अब हम अखलूज में पहुँच चुके हैं, तो चलो अब यहाँ से इंदापुर से 30 या 35 किलोमीटर दूर है अपना घर, तो चलो अब जाते हैं। तो चलो गाइस एंजॉय करो, अब यहाँ से हमें राइट लेना है, अब उसके लिए सीधा जाना है। हमें सीधा जाना है इंदापुर के लिए, तो यहाँ से इंदापुर है अब 28 किलोमीटर दूर, 28 से 30 किलोमीटर दूर, तो अब हम जाते हैं और वहाँ से हमारा घर है 15 किलोमीटर और दूर। तो फाइनल गए तो हम अपने घर के रास्ते पर आ चुके हैं, तो चलो गाइस गाइस क्या नेचर है, क्या वेदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है गाइस शाम को, और हवा भी बहुत अच्छी लग रही है गाइस, क्या बहुत अच्छा मूड हो रहा है। गाइस आप एंजॉय कीजिए इस रोड को,
गाइस क्या मक्खन जैसा रोड है। तो गाइस क्या एंगल आ रहा है देख लो आप, गाइस क्या मजा आ रहा है रोड पे बाइक चलाने। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि हमारी न्यू राइड है। तो गाइस उस राइड को आप बहुत जल्द से जल्द सपोर्ट दिखा देना और जल्द से जल्द मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देना। तो गाइस जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।